सो गाइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद किस प्रकार से एंट्री ली जाएगी और कहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये हम चेक करने वाले हैं। सो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे सपोर्ट लिया गया फिर ऊपर आया है, यहां पे सपोर्ट लिया गया हुआ है और यहां पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। सो यहां पे रेसिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट लिया है फिर ऊपर गया है, तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो है उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर एंट्री। ब्रेकआउट होने के बाद कभी भी इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक होना जरूरी है। प्रीवियस हाई ब्रेक होगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, या तो नीचे आप देखो जो प्रीवियस लो है ये अगर ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होगा, तो जहां जहां पे नीचे सपोर्ट लिया गया हुआ है ना वहां पे आप टारगेट सेट कर सकते हो और जो आपका स्टॉप लॉस है वो रहेगा प्रीवियस सपोर्ट या तो प्रीवियस रेसिस्टेंस। अगर आपने सेलिंग साइड में लिया है तो प्रीवियस रेसिस्टेंस, अगर आपने बाइंग साइड में लिया है तो प्रीवियस सपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।